तो गाइस फाइनली हम मुख्य द्वार पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ से यात्रा स्टार्ट करेंगे गाइस, तो मेरे साथ वीडियो के माध्यम से बने रहें। और ये माता वैष्णो देवी का मुख्य द्वार है, यहाँ से हमारी शुभ यात्रा स्टार्ट होती है। तो गाइस यहीं से साइन बोर्ड चेकिंग साइन बोर्ड होगा, यहाँ पे हमें कार्ड वगैरह चेक करवाना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं ये बाल गंगा चेक साइन बोर्ड मुख्य द्वार में आ चुका हूँ। तो गाइस चलिए चलते हैं आगे की ओर। गाइस जैसा कि हमने दिखाया कि ये बाल गंगा लोग स्नान कर रहे हैं, और अब हम जो है भगवान के लिए प्रस्थान करेंगे, जो कि चरण पादुका मिलेगा। चरण पादुका के बाद में आज कुमारी आएगा, तो आज कुमारी तक पहुँचेंगे, फिर इसके बाद भगवान भगवान के बाद में भैरव घाटी भैरव दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद वापस आते हैं। तो गाइस बने रहे मेरे वीडियो में अंत तक और चलते हैं हम। तो गाइस फाइनली हम जो है बाल गंगा पहुँच चुके हैं। बाल गंगा बाथिंग घाट जहाँ पे नहाया धोया जाता है, तो यहाँ सभी लोग नहा धो रहे हैं गाइस, देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से यहाँ सभी लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं यहाँ पे, आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस भारी तादाद में पब्लिक है यहाँ पर, और यहाँ पे सभी नहा धो रहे हैं गाइस, देख सकते हैं। तो बहुत ही स्वच्छ और साफ़ सुथरा निर्मल जल है यहाँ का, और पुराने सूत्रों के मुताबिक ये बताया गया है कि जो है माता जी ने बजरंगली बाबा की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पे अपना बाण मार के जो है पानी निकाला था, जिसको बजरंगली बाबा ने पानी पिया था, वही बाण गंगा ये। ये बाण गंगा है, बाण गंगा से जो है बाण गंगा में यहाँ पे लोग सभी लोग नहाते हैं गाइस। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा और बहुत ही निर्मल पानी है यहाँ का, बहुत ही साफ सुथरा जल है यहाँ पे लोग नहाते हैं गाइस, देख सकते हैं सारी पब्लिक नहा रही है। देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही लोग नहा रहे हैं यहाँ पे और फुल एंजॉय कर रहे हैं गाइस, देख सकते हैं। गाइस देख सकते हैं बहुत ही निर्मल और स्वच्छ पानी गिर रहा है, बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ का गाइस, देख सकते हैं लेडीजें और लड़कियां कैसे नहा रही हैं गाइस। गाइस बहुत ही साफ सुथरा रखा जाता है इस पे बाल गंगा को, देख सकते हैं गाइस यहां पे लेडीजें जेंट्स सभी नहाते धोते रहते हैं गाइस, देख सकते हैं। ये देखिए बाल गंगा में सभी लोग नहा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं गाइस, देख सकते हैं। हमने भी कल नहाया था गाइस, देख सकते हैं जो है बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी देर तक नहाया। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं कि ये बाल गंगा है, जहाँ की माने की जो है बताया जाता है कि यहाँ पे माता जी ने जो है बाण मार के जो है पानी निकाला था बजरंगबली बाबा की प्यास बुझाने के लिए, श्री हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए, जिसको हनुमान जी ने पानी पिया था। जब से ये जो है ऐसे ही चल रही है, और बहुत ही साफ स्वच्छ स्वच्छ पानी है यहाँ का, बहुत ही निर्मल पानी है। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा दृश्य है गाइस। गाइस देख सकते हैं सभी नहा रहे हैं यहाँ पे।
तो गाइस फाइनली हम माँ भगवती दर्शन की दवान बाढ़ गंगा पहुँच चुके हैं और अब हम बाढ़ गंगा के पास हैं। गाइस देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत टेंपल है जो कि गीता भवन बाढ़ गंगा माँ भगवती जी के दर्शन होते हैं यहाँ पे। तो गाइस आइए हमारे वीडियो में बने रहें और देखते रहें जो है ये। ये चढ़ी रास्ते में पहले ना देख सकते हैं कैसे लोग आ रहे हैं रास्ते पे। ये माता जी के दरबार जाने का रास्ता है और यहीं से सभी आते जाते हैं श्रद्धालु और भक्तगण जा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं सभी लोग दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। गाइस देख सकते हैं हम लोग चल रहे हैं इस वक्त रास्ते पे, बहुत ही सुहाना सफ़र है। ज़्यादा मतलब तो गाइस हम इस वक्त खड़े हैं व्यू पॉइंट पे, देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू। तो गाइस देख सकते हैं काफी सुंदर काफी ब्यूटीफुल व्यू है। ये माता जी का दरबार है और हम रास्ते पर हैं। तो व्यू पॉइंट से व्यू पॉइंट से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, जो कि देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा पहाड़ों का क्षेत्र दिख रहा है और ये पहाड़ है गाइस देख सकते हैं और हमको चढ़ के काफ़ी दूर तक जाना है। तो गाइस देखिए इसी रास्ते से दर्शन के लिए जाया जाता है और जब भी आइए तो दर्शन जरूर करिए। गाइस हमने टोकन ले लिया है, हम राजमा राइस लेंगे, राजमा राइस यहाँ पर खाएंगे, इसके बाद में खाना खा के निकलेंगे, वहाँ से हम लेंगे। गाइस यहाँ खाने पीने के लिए मिल जाता है और ब्रेड पकौड़े जलेबी वगैरह पराठे वगैरह सारा कुछ मिल जाता है यहाँ पे खाने पे। और भवन की तरफ से भी यहाँ पे भोजनालय वगैरह हैं। तो गाइस यहाँ पे भोजनालय हम करते हैं और करने के बाद में फिर आगे की यात्रा करेंगे।
तो गाइस देख सकते हैं बाढ़ कुमारी का व्यू है। ये पहाड़ है गाइस। तो गाइस फाइनली तो हम पहुंच चुके हैं आर्द्र कुमारी, जो कि देख सकते हैं आर्द्र कुमारी का व्यू है। तो गाइस हम आर्द्र कुमारी टेंपल पहुंच चुके हैं, जो कि बीच में पड़ता है, बीच रास्ते में। गाइस देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं ये आर्द्र कुमारी टेम्पल है, यहाँ हम इस वक्त पहुँच चुके हैं। गाइस ये आर्द्र कुमारी टेम्पल है, जो कि देख सकते हैं मेरे सामने का व्यू आर्द्र कुमारी का। तो हम इस वक्त आर्द्र